जय जिनेन्द्र, मैं हूँ जीनल जैन। मैं आज बनाने वाली हूँ जलेबी। यह है इंस्टेंट जलेबी। इसके लिए जो हमें लगने वाला है गेहूँ का आटा, जिसका मैंने मैदा निकाल दिया है, आधा कप दही जो मैंने गरम करके रखा था ठंडा किया है, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और फूड कलर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाना है और एक कप पानी लेना है, जिसे थोड़ा थोड़ा करके हमें मिक्स करना है। हमें एकदम स्मूथ बैटर चाहिए, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए उसमें। हम विस्कर से कर सकते हैं या स्पून से, किसी से भी जो भी हमारे पास अवेलेबल हो। ऐसे धीरे धीरे करके हमें पानी डालना है और एक स्मूथ बैटर रेडी करना है। ये हमारा स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। थोड़ा सा ये अगर ऐसे रखा तो जलेबियाँ बहुत क्रिस्पी बनती है। अब हम बनाएंगे शुगर सिरप, जिसके लिए हमें लिया है 1 कप शुगर और 1 कप वाटर। इसे हमें तब तक उबालना है जब तक हमें आधे तार से भी थोड़ी ज़्यादा चाशनी ना बन जाए। यह अब 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसे एक प्लास्टिक बैग, दूध की जो थैली होती है उसमें, या किसी भी सॉस की बॉटल में, जिसमें हम कंफर्ट जिससे हमें कंफर्टेबल है बनाने के लिए, उसमें डाल सकते हैं। और इस बैग में डाला है मैंने। अब मैं इसका एक कोन बना दूंगी ऊपर से रबर बैंड डाल के, और इसमें नीचे से होल कर दूंगी। इस एक तरफ मैंने घी गरम करने के लिए रखा था। इस तरह हमें जलेबियाँ निकालनी है और हमें एकदम सिम गैस पे जलेबियाँ निकालनी है, एकदम गरम घी में नहीं निकालनी है, इसमें तो हमारी जलेबियाँ बिखर सकती है। इसका हमें ज़रूर ध्यान रखें, एकदम से तल के रेडी है हमारी जलेबियाँ, एकदम क्रिस्पी। अब हम इन्हें शुगर सिरप में डिप कर देंगे। इसे दो तीन मिनट के लिए हमें डिप करके रखना है और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। इस तरह हमारी जलेबियाँ रेडी है। मैंने इसे थोड़े बादाम से गार्निश किया हुआ है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है और ये बिल्कुल भी अभक्ष्य नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आटा यूज़ किया हुआ है। धन्यवाद।